स्टेप लेके और इस पर स्टिक कर देते हैं, मतलब ये फाइनल इंजन रेडी हो चुके हैं। कार का भी हार्ट जुड़ चुका है जो कि है इंजन महिंद्रा बुलेरो मैक्स का 1,00,000 पूरी यूनिट। यहाँ से गाड़ी निकल गई, मतलब गाड़ी में कुछ कमी नहीं है। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं मेन महिंद्रा के प्लांट में, जो कि पहले इधर हर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी। हाँ। अभी एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो कि है महिंद्रा पिकअप 1.5, 1.7 और 2.2 ना, या 2.0 टन का जो कि इधर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो प्लांट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। महिंद्रा के प्रोडक्शन में एंट्री में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन आपको दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे पूरा चेकिंग होता है जो कि अपना भाई करता है। यहाँ पे गाने में कोई भी मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पे गाड़ी को आगे भेजना है कि किधर भेजना है दिखाएंगे। कैमरे में आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब हमारे दोस्त साथ में आए हुए हैं। ऐसे महिंद्रा में काम करते हैं, ये भी महिंद्रा में काम करता है, देख के लगने पर करता है। मान लो आप सर, समझ जाओ ना, तो महिंद्रा में रहेगा। तो ये पूरे महिंद्रा के बैनर ये रहा, देखो महिंद्रा का फाउंडेशन दिवस देखो, ये स्टार्ट हुआ था। इसमें हम दो तीन बार घूम चुके हैं, फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं आपके लिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बॉडी वेल्डिंग सिस्टम में, जहाँ पे बॉडी के 2D पार्ट को 3D में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ये वाला वेल्डिंग है, हीट वेल्डिंग बोलते हैं इसको हम लोग, जो कि दोनों पार्ट को जॉइंट करके वेल्ड कर देता है। इसमें कोई भी रिबिट नहीं लगता, ये हीट वेल्डिंग होता है, इसको हीट वेल्डिंग बोलते हैं। ये दोनों को जॉइंट करते हैं, सिर्फ कंपनी में हो सकता है काम, और ये शार्प करना पड़ता है, मतलब हर पार्ट अलग अलग होता है, कंपनी से आता है, पर ये मोल्डिंग पार्ट अपने वहाँ नहीं होता है, दूसरी कंपनी से आता है, महिंद्रा की है, बट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे इसको जॉइंट किया जाता है और पूरे बॉडी में देखो आगे से है ना, पूरी बॉडी को जॉइंट करके एक बॉडी बनाई जाती है। देखो देखो, पहले ऐसे एक पार्ट थे वो पतरा था, पहले पतरे में ये पार्ट जॉइंट किया, फिर आगे आएगा, फिर वो पार्ट जॉइंट होगा। ऐसे करते करते फाइनल प्रोडक्ट एक चेसी एक बॉडी बन जाएगा। बाद में उसको पेंट में भेजेंगे, फिर वो मैरिज रूम में चले जाएगा और दोनों को मैरिज होगा, बाद में गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, और ट्रॉली सिस्टम इसका पूरा अलग होता है। यहाँ से पेंट शॉप में मैं एंटर लेते हुए, पेंट शॉप सबसे बेस्ट काम लगता है। देखिए ये गाड़ियों का कैबिन ऐसे रेडी होकर आता है, अपने पहले असेंबली में दिखाया था जहाँ पे गाड़ी का बिल्ट होता है। ऐसे बॉडी आती है, इस पर प्राइमर चढ़ता है फर्स्टली, फिर प्राइमर चढ़ने के बाद में गाड़ियों पे पेंट, और रोबोटिक पेंट जॉब है ना इधर। हाँ, रोबोटिक पेंट जॉब होता है इधर। जैसे एंटर मारेंगे पूरे हवा से क्लीन हो जाएंगे, फिर ड्रेस पहनेंगे, फिर जाएंगे। जो पेंट में हल्का सा भी है ना दाना भी नहीं आना चाहिए, कचरा नहीं आना चाहिए, मेरा बोलने का मुद्दा है। और इसमें एक रोबोट भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दो रोबोट लगाए हैं जो भी रोबोटिक पेंट जॉब करते हैं। रोबोटिक पेंट जॉब से बेनिफिट दो चीज़ होती है, एक तो काम फास्ट होता है, और सेकेंडली पेंट कंज्यूमिंग कम होता है। रोबोट क्या है, जितना कलर देंगे उतना ही करेंगे। ये देखो, ये पूरा रोबोट के लिए बनाया गया है ये वाला पार्ट। इससे कोडिंग यहाँ से होती है, कैसा पेंट करना पूरा यहाँ से दिखाया जाएगा आपको, सॉरी कंट्रोल किया जाएगा। और यहाँ से मैं रोबोट दिखाना चाहता हूँ आपको, तो यहाँ से देखो वो रे रोबोट दोनों यहाँ से निकलता है। ये आई थिंक तो भट्टी बनाया हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, इसमें कलर पकना भी पड़ता है, तो कलर यहाँ पे पकता है, ठीक है। जो इसके पीछे वो दिखेगा नहीं, हीटिंग है तो अपने को पता नहीं चलेगा। और वहाँ से निकलता है कैबिन बाहर, और वो असेंबली रूम आ गई देखो, जहाँ से हम लोग एंटर किए थे पहले। और देखो ये रहा, यहाँ से हीटिंग होती है अंदर। देखो मैं बोला था ना, देखो ये पूरे लगे ना ब्लास्टर लगे अंदर, देखो ये वाला हीट के एयर के सब रहता है, ये एयर का रहेगा अंदर, हीट का रहेगा। पर ऐसा प्रोसेस ये रहा इसका हुक करने का, ऐसा हुक करेंगे गाड़ी को, उधर रखेंगे टेम्परेली, वहाँ पर इनका इन्फेक्शन होगा, चेकिंग होगा, फिर गाड़ियों को जाएगा मैरिज के लिए, और गाड़ियों पर सब सामान लगाया जाएगा। तो ये देखो असेंबली रूम पूरा, ऐसे गाड़ी को पैसे पूरा बिल्ड होती है। ये पूरा इसका कन्वेयर बेल्ट वगैरह जो बोल सकते हैं, इसमें गाड़ी पूरा चलता है एक प्रोसेस में, और यहाँ से सामान आता है। तो हम आपको यहाँ से दिखाना चालू करेंगे, ये ट्रिम की लाइन है और यहाँ पेंट शॉप है। तो ये जो पेंट शॉप से गाड़ी आती है ना, स्टोरेज बोल सकते हैं, कार्गो और कैबिन, कैबिन और दोनों स्टोरेज आते हैं यहाँ से पेंट होगी। थोड़ा आपने हम लोग को इग्नोर करो, क्योंकि हम लोग थोड़ा गाड़ी आगे पीछे दिखा देंगे आपको, मतलब असेंबली, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो एक साथ में हम लोग दिखा नहीं सकते। हाँ, पेंट होकर गाड़ी इधर से आती है, पेंट रूम बोरा, और फिर यहाँ पे इन लोग सब लगाते हैं। यहाँ पे गाड़ी में देखो वायरिंग हो चुका है पहले से केबिन में, ये मतलब सब होता है, वायरिंग कास्ट डालेंगे इधर। महिंद्रा में डंपिंग हो रही है। हाँ, महिंद्रा में भाई डंपिंग है, यहाँ पे डंपिंग, यार डंपिंग नहीं, अरे भाई इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभार इंग्लिश में। चलो अभी आगे चलिए हमारे साथ में। तो ये गाड़ी है 1.7 टन में आती है ये वाली, इसका जो पीछे का ट्रॉली है वो बाद में जॉइंट होगा, इसको इग्नोर करके मार्क पेन से किया जाता है ये, क्योंकि पता चले गाड़ी को रेडी हो चुका है। इसके पीछे है वो ट्रॉली लगेगा 1.7 का, 1.5 रहेगा तो 1.5 का लगेगा, ये डिफरेंट हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो वो आगे चलिए,
हम दिखा देंगे आप। डीमार्ट के पीछे नहीं आना है उसके लिए। यहाँ पे असेंबली होता है, ये इसका वाइपर कंट्रोल हो गया, ये लाइट, तो ये वाइपर कंट्रोल, ये लाइट कंट्रोल, हाँ ये वाइपर है, ये लाइट है, ये इसके डोर देखिए यहाँ पे वाइपर, नॉर्मल वायरिंग हो गया है, ज़्यादा वायरिंग होता नहीं है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है, वायरिंग आई पी वायर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता ना इसमें, इलेक्ट्रॉनिक करने का मतलब भी नहीं है, हमको पास में रहना पड़ेगा, कैमरे में आवाज़ नहीं आएगी। तो गाड़ी के जो कांच होते हैं वो यहाँ से रेडी होते हैं और यहाँ से गाड़ी में इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कांच का जो कैची रहता है, ये रहा कैची, कैची बोलते हैं इसको, ये वाले को, ये कैची रहता है, इस पर कांच डाला जाता है और ये ऐसा ऊपर नीचे होती है, ऐसे क्रॉस में होती है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे रहता है, कांच लगाया नहीं वरना आपको बता देता कैसे होता है, वो आपको हम आगे दिखाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं असेंबली वन लाइन, असेंबली टू और असेंबली थ्री, वो फाइनल लाइन है, तो हम लोग टू लाइन में चल रहे हैं, जो कि इसमें और ज़्यादा वायरिंग हो रही है, ठीक है, इसमें वायरिंग का और ज़्यादा काम होता है। आगे आ जाइए, इसमें देखो ये इसको क्या बोलते हैं, कूलेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर नहीं बोलते इसको, एसी कूलर के समथिंग कुछ बोलते हैं, एसी के लिए लगता है ये वाला जो फीचर्स है, मुझे आइडिया है, नाम पता नहीं है बट मैं समझ जा रहा हूँ काम क्या है, आगे कूलेंट के समथिंग कुछ आता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये रहा रोबोटिक जो कि अपना कांच के लिए है, जो कि मिरर को यहाँ पे गम करता है पहले और उठा के यहाँ पे रखता है, फिर यहाँ से वैक्यूम के थ्रू यहाँ पे रहता है, फिर ये वैक्यूम मशीन यूज करके यहाँ पे फुटेज लेके स्टेप लेके और इस पर स्टिक कर देते हैं, मतलब अटैच कर देते हैं, स्टिक करो अटैच करो, उधर आपने बॉडी प्राइमर देखा था, इधर देखो ग्लास प्राइमर, देखो ग्लास प्राइमर, उसको क्या जो ऊपर का रेंज है ना, ऊपर जो ग्लू चिपका है वो इसके लिए यूज होता है, सिलिकॉन समझ लो एक तरीके, अपन सिलिकॉन करते हैं, ये लोग का थोड़ा अलग वैरायटी रहता है। फिर आगे चलते हैं, ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ ये पूरा बनता है, यही है, तो ये सूख गया, सूखने के बाद ऐसा होता है। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, फिर अभी अगला पार्ट है सीटिंग का, जो सीटिंग देखो, सीटिंग पूरा ये रहा, सीटिंग लगने वाला है इसमें, जो भी अगला पार्ट होगा सीटिंग का, ये रहा सीटिंग, इस गाड़ी में सीटिंग लग चुका है, ड्राइवर में अपन बनाएगा, इधर दो का रेशियो आता है, बाकी इस गाड़ी में कोई ज़्यादा सीटिंग का ऑप्शन नहीं है, अभी न्यू दिया है थ्री सीटर ओके, ये थ्री सीटर अभी आया, वरना पहले टू सीटर आता था, दोनों कैप्टन सीट आती थी, अभी तक इंजन का कुछ काम हुआ नहीं इसके अंदर, तो अभी आगे आ जाते हैं हम लोग। इसके मिरर बहुत बड़े हैं, ये तो इसकी खासियत, क्योंकि ट्रॉली आता ना, ट्रॉली आने के बाद गाड़ी बहुत लंबी हो जाती है, तो इसके लिए मिरर बड़े चाहिए। फ्यूज बॉक्स लग चुका है, ओके, अभी इसमें फ्यूज बॉक्स लग गया और ईसीयू और फ्यूज बॉक्स इधर लगता है, ओके, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। अभी हम लोग आगे आते जा रहे हैं, डोर का ट्रिम पैड बोलते हैं, हाँ ओके ओके, इसमें से रेगुलेटर लगता है, इधर से ओपन लॉक, ओके, डोर का वो कवर पूरा कर देते हैं। वाइपर कंट्रोल भी लग चुके हैं भाई, पहले हमने ध्यान दिया नहीं, वाइपर भी लग गया है, कौन से असेंबली पर, आइडिया नहीं पर वाइपर लग गया है, बैक मिरर लग गया, बैक मिरर के ऊपर रबड़ मिरर लग गया है, वाटर प्रूफिंग के लिए इधर भी रबड़ लग गया है, ब्रेक ऑयल का भी ये लग चुका है, ओके, ब्रेक शू बोल देते हैं, ओके, और ये वाटर वॉशर पॉइंट भी लग चुका है भाई, मतलब धीरे धीरे गाड़ी अपनी तैयार होते जा रही है, ऐसे कंटिन्यू में आगे बढ़ते जाएंगे। और जो अपन बोल रहे हैं जिस चीज़ के लिए बनी है गाड़ी, इसकी ट्रॉली, ये 1.7 टन के साथ में आने वाली, आई थिंक 2.0 है, ये 1.7 के साथ में आती है, इससे छोटी वाली आती है वो 1.5 टन के साथ में आती है, और एक बड़ी आई और इससे और बड़ी आती है, नहीं वो 2.0 आती है, 1.7 टन ये है, एल करके आई है, और ये 1.3 भी आती है, सॉरी 1.3, 1.5, 1.7 और 2.0, चार सेगमेंट आते हैं गाड़ी में, और जो ये वाला कैबिन है ना, ये है 4x4 का, जो कि 1.2 और सॉरी 1.7 और 2.0 के साथ में आती है। तो अभी कैसा प्रोसेस है, वहाँ पे कैबिन रेडी हो जाते हैं, वहाँ से इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे ट्रॉली के सिस्टम से इस रेलिंग से इधर लाते हैं, फिर यहाँ से ना क्रेन के सिस्टम से उधर रखते हैं, फिर लाइन नंबर 3 चालू होता है, अभी लाइन नंबर 3 पे अपन चालू करते हैं, हाँ, तो लाइन नंबर 3 में इसका मीटर भी लग चुका है गाड़ी में, देखो हाँ जी, मीटर लग चुका है, बाद में इंडिकेटर का जो वॉशर वगैरह का सब वो कंट्रोल वो लग चुके हैं गाड़ी में, ऐसा क्रेन आता है उठाने के लिए। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ने का प्रोसेस दो होता है, अभी यहाँ पे दो प्रोसेस मिलेंगे, चेसी और यो, इसको बोलते हैं मैरिज, अपना मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको मैरिज, क्योंकि अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को साथ में ज्वाइन करते हैं, इंजन वाला पार्ट और केबिन वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं मैरिज, जो कि यहाँ पे हो चुकी है, और इसके पहले का पार्ट है जो इंजन असेंबली और चेसी असेंबली है, वो उस साइड में जाना पड़ेगा अपने को, और ये साइड में गाड़ी को रेडी होते जाएगी, और वहाँ पे फ्रंट काम यही है, ओके, हाँ ये भी है, क्योंकि यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखना है, लिफ्ट यहाँ पे रखना पड़ता है, सही बात, थोड़ा मुश्किल काम है, इसे ये प्रोफेशनल लोग ही कर दे वाला काम। तो ये रहा अपने गाड़ी का गियर बॉक्स,
क्योंकि देख सकते हैं हर गाड़ी में ये लगता है। 5 स्पीड के साथ में आता है, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, तो 6 गियर हो गया। तो इंजन की डाई सब पड़ी है इधर, मतलब जो कि इंजन देखो ज़रा 1, 2, 3, 4 पिस्टल वाला इंजन आता है इसमें, जो भी अपन देखे थे। तो अभी इस पर सब काम होगा तो इंजन प्रॉपर बनेगा, तो अभी ये प्रोसेस दिखाएंगे इंजन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इंजन असेंबली में, यहाँ पे पूरे इंजन को असेंबल किया जाता है, जो कि इंजन का पहले मोल्ड आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे धीरे धीरे प्रोसेस चलते जाएगा। इसको ढक्के से रखा है कि इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं आना चाहिए, वरना गाड़ी में फर्क। इसमें पिस्टल डाल दिया है, दो डाले इधर नहीं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कुछ साइजिंग रहता है, जहाँ तक मुझे पता है। महिंद्रा की जान है इंजन, जो कि प्रोसेसिंग है। फिर हम लोग आगे आए तो ये रहा पूरा इंजन पड़े इधर, जितने भी असेंबल होते हैं इधर बहुत सारे इंजन पड़े, लॉट ऑफ इंजन। तो ये जाएंगे बाद में असेंबली लाइन पे। और अभी इंजन हो गया फाइनल प्रोडक्शन, पूरा इंजन का फाइनल प्रोडक्शन हो चुका पूरा, इधर देख सकते हैं आप ये वाले। इस पर बेल्ट नहीं है, बेल्ट है। ये फाइनल इंजन को देख सकते हो ट्रांसमिशन के साथ में, ये रहा इसका ट्रांसमिशन विथ गेयरबॉक्स, ये आ गया मतलब इसके अंदर ही, इसमें काचे रहते हैं। और ये आ गया इंजन, और ये रहा बैटरी चार्ज। इसमें स्टार्टर नहीं दिख रहा मुझे, कंफ्यूज, वो रहा स्टार्टर मैं बोला ना स्टार्टर रहता है, ये रहा स्टार्टर। तो अभी हम लोग चेसी में आ चुके हैं, जो कि अपने महिंद्रा की चेसी है। ये पावर ड्राइव है, पावर ड्राइव मतलब पावर एक्सेल बोल सकते हैं इसको, जो कि इसको पावर मिलता है। आगे रहा डमी होता है, 4x4 में दोनों पावर सप्लाई होता है। ये धीरे धीरे ये मेन है, ये महिंद्रा का कार्ड है, इस पे हम लोग चेक करना पड़ता है, कौन कौन सा पार्ट डालाना, हाँ चेक करना रहता है, और डिफेक्ट अगर रहेगा तो वो लिखना रहता है, क्योंकि आगे वाले के पास चेसी जाएगा तो उसको पता क्या रहेगा इसमें क्या डाला कि नहीं डाला। मेरा पार्ट ये है इसीलिए, ओके, और इसमें पूरा जानकारी मिलती है, ओके, ये पूरी जानकारी इसमें होती है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं मशीन के पास में। ये आ रहा है डमी एक्सल, इसको बोलते हैं डमी एक्सल, ये डमी एक्सल है जिसमें अपना स्टेयरिंग रॉड रहता है। ये रहा स्टेयरिंग रॉड, जो ये कंट्रोल होता है, ये रहा स्टीयरिंग कंट्रोलर, ये दोनों साइड में होता है। और ये इसका सर वो स्टेयरिंग का क्या बोलते हैं ना, हाइड्रोलिक जो कुछ बोल सकते हैं अपन, वो है, जो कि चेसी भी उल्टा है, ध्यान से देखो चेसी उल्टा है, चेसी को उल्टा किया हुआ, आगे जाके सीधा करें क्योंकि वर्कर को काम करने के लिए इजी पड़ेगा, इसलिए चेसी को उल्टा रखते हैं लोग। ये देखो चेसी को यहाँ पे पलटा दिया गया है, देख रहे हो चेसी का ये टायर नीचे हो चुका है और डब्बी अक्सर आ गए। हाँ ये सब मशीन एयर से चलते हैं, जितने मशीन सब एयर से चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला मशीन मोस्टली कुछ होता नहीं, क्योंकि वो रिक्स भी होता है पर इसमें पावर भी अच्छा मिलता है एयर वाला, मेरे को पल्टी हो चुका है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हाँ मेन वही है, एक से सब पूरा सप्लाई चल सकता है। ये धीरे धीरे एक पॉइंट स्टेप टू स्टेप चलते जाता है। तो गाड़ी में यहाँ पे फ्यूल टैंक असेंबली हो चुका है, और यहाँ पे शाफ्ट भी लग चुका है, देखो ये शाफ्ट है, इससे गाड़ी को सप्लाई मिलता है। यहाँ पे डिफरेंसर लगेगा, यहाँ पे इंजन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे इंजन लगेगा डायरेक्ट, इसके ऊपर केबिन लगेगा शाफ्ट से आगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, साफ देख सकते हैं कितनी बड़ी साफ है, गाड़ी बहुत लंबी है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड होते जा रहा है। हाँ धीरे धीरे गाड़ी पूरी बनती जा रही है ना, फ्यूल फिल्टर वगैरह सब फिल्टर लग चुका है यहाँ पे। और आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन, मेन इसका डिस्क ब्रेक देखिए बहुत बढ़िया, कम से कम एक तो डिस्क ब्रेक है गाड़ी में, मेन हार्ट टॉप, हाँ कार का भी हार्ट जुड़ चुका है, जो कि है इंजन, और इंजन के साथ में है डिफरेंसर जो कि गियर का काम करता है। रहा इसका गियर बॉक्स यहाँ से जॉइंट हो चुका है, तो गाड़ी का जो सप्लाई रहेगा वो इंजन से वो आएगा गियर बॉक्स में, गियर सेलेक्ट करेगा कौन सा गियर देना है इसके थ्रू, और वो सप्लाई करेगा शाफ्ट से टायर से, क्योंकि अगला टायर डमी है, 4x2 है, दिखा देंगे। अभी आएगी, आगे आ रही है मैरिज, जो कि अगले वाले स्टेप में मैरिज हो जाएगी दोनों की, हाँ जो कि मेन है ये वाला ही, यहाँ पे उन पहले यहाँ से आए थे। इस चीज़ को बोलते हैं मैरिज गाड़ी का, जो कि बॉडी पार्ट और चेसी पार्ट को दोनों को जॉइंट करते हैं, ऑपरेशन लैंग्वेज में मैरिज, ओके। तो ये है 1.7 टन के साथ में 4x2 मैक्स पिकअप, यहाँ पे स्टेप नीचे गिरने का मौका है पूरा एकदम, ये गाड़ी जॉइंट होगी, यहाँ पे गाड़ी का एक लुक आने लग गया है। अभी इसमें क्या बाकी है, लास्ट एंड फाइनल पार्ट ट्रॉली और टायर, आगे टायर लगेगा। ये टायर का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे गाड़ी में टायर लगा जाएगा, गाड़ी के फुट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये रहा टायर जॉइंट करने का मशीन, जो कि 2 बोल्ट के साथ में आता है, एक फिक्स होता है इन लोग का अमाउंट कितना इसको कसना रहता है, ये बोल्ट रहते हैं गाड़ी के, देख सकते हो आप लॉट ऑफ बोल्ट और लॉट ऑफ टाइट्स। ये लाइन में गाड़ी बनती जाती है और इसकी सप्लाई जो रहती है वो ये लाइन में देते रहते हैं इसको, कमी नहीं होनी चाहिए लाइन में, जो चाहिए ऐसा।
तो अभी हम लोग असेंबली में आगे बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ी कंटिन्यू तैयार होते जा रही है, गाड़ी को टायर भी मिल गया अपने, यहाँ पे डीजल है गाड़ी में थोड़ा डालने के लिए टेस्टिंग के लिए, तो ये डीजल है, तो हम फिक्स अमाउंट ऑफ डीजल डालते हैं, ऐसा नहीं कि भाई फूल करवा के काम जाना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सर, सिर्फ चेकिंग के लिए होता है। तो हम आगे बढ़ते और इसकी ग्रिल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ग्रिल महिंद्रा की, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, महिंद्रा को अभी तक पुराना लोगो आता है, तो हम लोग आगे दिखाएंगे, ये देखिए महिंद्रा का पुराना लोगो पी भी ग्रिल, आप कमेंट बॉक्स में बताओ ये लोगो क्या दर्शाता है। गाड़ी ऑलमोस्ट 95% तैयार हो चुकी है और गाड़ी यहाँ पे अपने फर्स्ट टाइम अपने टायरों पे उतरती है, फर्स्ट टाइम खुद के टायरों पे, खुद के पैरों पे। यहाँ पे 1,00,000 प्रोडक्शन कम्प्लीट हो चुका है महिंद्रा बुलेरो मैक्स का, 1,00,000 पूरी यूनिट। तो सामने से गाड़ी रेडी होने के बाद में गाड़ी आती है इधर, फिर गाड़ी में सेंसर लगते हैं रिवर्स गियर के, सेंसर लग जाते हैं पर इसके ऊपर कैप लगता है, इधर पूरा कैप लगाते हैं, फिर यहाँ पे गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट होते हैं देखो व्हील अलाइनमेंट का पूरा, ये गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट, इसके आगे बम्पर नहीं है, और बम्पर का फाइनल फिटिंग जो कि इधर होने वाला है, जो कि बम्पर है गाड़ी के, ये लगेंगे इधर, और गाड़ी का इधर एग्जॉस्ट भी चेक करते हैं, जो कि आई थिंक तो पीछे बैनरिंग किया हुआ, गाड़ी इसके अंदर आएगा उसको नीचे लाएंगे, यहाँ पर चेकअप होगा गाड़ी का, ठीक है, यहाँ पे बम्पर लग चुका, फिर यहाँ पे बम्पर फिटिंग हो जाएगा, मड फ्लैप भी लगेंगे, गाड़ी कीचड़ वगैरह में चलता है, और ये मिरर सबसे अच्छा काम किया है, कोई भी गाड़ी लेके आता है तो उसमें मिरर में ड्राइवर को पता चलेगा बाजू में कोई बंदा वंदा है कि नहीं है, और ये स्पीड लिमिट चेक, स्पीड लिमिट रोलर बोल सकते हैं, रोलर जो कि इसमें गाड़ी का पूरा चेक करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो रोलर में आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ रहेगा रोलिंग चेक करने के लिए, हाँ वो फुल थ्रॉटल में देखेंगे गाड़ी में कोई मिस्टेक नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, यहाँ पे रोलर पे पता चलेगा, ये हैंडब्रेक सेटिंग, ये नीचे से हम लोग हैंडब्रेक की सेटिंग करनी पड़ेगी, ओके, यहाँ पे जो नीचे का काम रहते हैं हैंडब्रेक वगैरह वो पूरा इधर से काम होगा, ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्ट हो चुका है यहाँ से, तो हमने पूरा असेंबली आपको दिखा दिया, 1.75 मैक्स एक्स के साथ में आए हम लोग, गाड़ी जाती है रोड टेस्ट, यहाँ पे यहाँ से गाड़ी जाती है रोड टेस्ट के लिए, जो प्रतीक भाई का काम है, प्रतीक भाई रोड टेस्ट ही करते हैं, आपसे रोड टेस्ट में ये नहीं है सिर्फ गाड़ी चेकअप करते हैं, यहाँ पे ये परमिशन देते हैं गाड़ी चेक करने का, तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, रोड टेस्ट के जाता है, रोड टेस्ट होकर गाड़ी आती है, उधर शावर होती है, वहाँ पे शावर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, हम लोग शावर रूम दिखाएंगे जो कि गाड़ी का शावर होता है, इसमें अब गाड़ी का लीकेज पता चलता है, गाड़ी में कुछ लीकेज है कि नहीं है, और यहाँ पे इन लोग को घुमाया जा रहा है, ये भी रोड टेस्ट है पर आज पब्लिक को घुमाया जा रहा है, क्योंकि जो पब्लिक गाड़ी की सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ से लोग घूम सकते हैं, इधर ऐसे भी होता है हॉर्न का, ओके यहाँ पे हॉर्न का जो कुछ इनका प्रोसेस रहता है चेक होता है हॉर्न का, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो ये रहा शावर रूम, इसमें गाड़ी खड़ा करेंगे और बहुत गंदा पानी गिराएंगे ऊपर, फुल बारिश ये कर सकते हैं, ओके किस तरफ का करना है, मतलब ये बारिश का मौसम बनाता है पूरा गाड़ी, तो इसमें कैसा पता चलता है गाड़ी में लीकेज, चालू नहीं रहेगा वरना मैं ये दोरा खींचूंगा ना, हाँ तो चालू हो जाएगा, ओके ये खींचेंगे, मतलब सिस्टम लोगों ने करके रखा इजी के लिए, गाड़ी अंदर खड़ा रखेंगे खींचेंगे और पता करेंगे लीकेज है कि नहीं है, मतलब बहुत हाई प्रेशर पानी आता है इधर, बहुत। और ये रहा गाड़ी का आउटलेट जहाँ पे गाड़ी पूरी रेडी होके फिनिशिंग लाइन यहाँ पे, ये D2D का मतलब है डायरेक्ट टू डीलर, इधर से भी गाड़ी डायरेक्ट डीलर के पास जाती है या फिर यार्ड में जाती है, क्योंकि वैसे यहाँ से गाड़ी मतलब पूरा फाइनल, यहाँ से गाड़ी निकल गई मतलब गाड़ी में कुछ कमी नहीं है ना, एक रत्ती पर भी कमी नहीं है, फाइनल बाय, इसलिए इसको बोलते हैं D2D और यहाँ पे लिखा फाइनल लाइन, तो ये आपको पूरा प्रोसेस दिखा चुके हैं महिंद्रा का जो कि होता है यहाँ से, तो अभी महिंद्रा ने हमको गिफ्ट दिया है, तो ये वाला दिया है और एक नाश्ता जो कि सेब पापड़ी जो कुछ है अंदर के, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या पहले वो देखते हैं, अरे माँ कसम महंगे वाला बोतल दिया महिंद्रा ने, कब भी दिए, हाँ कब भी दिया, चाय वाय पीने के लिए, सिर्फ चाय नहीं अंदर,